हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और है गाइस। तो चलिए वीडियो को, आज जो हमारा वीडियो है गाइस, कि आप सोच रहे हैं कि कौन सा सोल्डरिंग स्टेशन ले, कौन सा सोल्डरिंग स्टेशन हमें लेना चाहिए, बेस्ट सोल्डरिंग स्टेशन, क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट में है, 100 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है और हाइजेस्ट 25,000-30,000, जितना आपकी बजट होती है वो भी जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी महंगा I2C का है। यहाँ पर सोल्डरिंग स्टेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोल्डरिंग स्टेशन, और ये काफ़ी महंगा है और काफ़ी अच्छा भी होता है। पर अगर सोचते हैं कि कोई मीडियम रेंज में एक अच्छा सा सोल्डरिंग स्टेशन मिल जाए, तो एक वीडियो है आपके लिए गाइस, एक रिव्यू वीडियो है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। इसके साथ क्या क्या मिलता है मैं आपको बता दूं। सोल्डरिंग स्टेशन मिल जाता है, स्टैंड मिल जाता है इसका, और यहाँ पे केबल्स मिल जाती है। एक ये ग्राउंड केबल है गाइस, जैसा कि आपको दिखा दूँ, और ये उसकी हैंडल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये उसका हैंडल है, और इसमें बीट भी आती है गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये बीट मिल जाती है, ये माइनस बीट है, और भी 4 से 5 वैरायटीज़ की बीट आपको यहाँ पे मिल जाती है। OSS का बीट है यहाँ पे, तो ये गाइस है कंप्लीट। और एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे पावर केबल। तो गाइस ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, ये बहुत ही अच्छी। अब मैं क्वालिटी की हर एक चीज़ बात करूँगा कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लास्ट में आपको मैं पूरा कवर करने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, सारा चीज़ मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर करूँगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और चलिए थोड़ा सा इसकी मैनुअल की बात कर लें। अगर मैनुअल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हाई स्पीड है, स्लिप मोड ऑटोमेटिक है, मतलब बहुत फास्ट हीटिंग हो जाती है, और जो उसका हीट है गाइस 120 से 450 सेल्सियस तक ये हीट हो जाता है। और इसमें मैं बताऊं कि यहाँ पे 3 स्टेशन डले हैं, कि आप इसमें 3 स्टेशन को कवर कर सकते हैं, मतलब 3 आपको टेम्परेचर चाहिए तो 3 टेम्परेचर में आप उसको सेट भी कर सकते हैं। ये इसका मैनुअल है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे का, ये यहाँ पे सारा कुछ इंडिकेट किया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे मैनुअल थोड़ा सा समझाया है। और इस इसका T210 मॉडल, जैसा कि आप देख सकते हैं, सोल्डरिंग स्टेशन T210 का, इसका मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर सारा कुछ आ जाता है, इसकी जो बीट क्वालिटी है और बिल्ड क्वालिटी, सारा कुछ हैंडल क्वालिटी मैं आपको सारा यहाँ पे दिखाऊंगा। जो हैंडल क्वालिटी है गाइस, इसको पकड़ने में स्मूथ बहुत है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत लाइट वेटेड है, कोई वेट नहीं है, ज़्यादा लेंथ नहीं है, काम करने में बहुत ईजी टू यूज़ होता है गाइस, और इसको इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी है। तो चलिए मैं अभी आपको इंस्टॉल कर दूँगा। यहाँ जो इसका इंस्टॉल करने का प्रोसीजर है बहुत इजी है, आप ये क्लिप है बस आपको इसके पीछे, स्टेशन के पीछे लगा देना है गाइस, जैसा कि मैं बता दूं। और इसका ग्राउंड का भी होता है, जैसा कि मैं बता दूं, स्लिप मोड में जाने के लिए, अगर मैं इसी की बात करूं, इसके स्टैंड की बात करूं, तो ये देख सकते हैं जो स्लिप मोड, जैसे आप इसको स्टैंड में लगा देते हैं तो आपका आयरन, जो सोल्डिंग आयरन है, वो स्लिप मोड में चला जाता है ऑटोमेटिकली, जैसा कि मैं बता दूँ, ये देख सकते हैं ये आपका स्टैंड में लग जाएगा। मैं ये सारा कुछ आपको सेट करके इसका कंप्लीट सेटअप आपको दिखाता हूँ, और हिट करके भी आपको दिखाता हूँ कि कितनी जल्दी में, कितने फास्ट में ये अपना सर्विस दे रहा है गाइस, सारा कुछ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो चलिए फटाफट गाइस इसको हम सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे पीछे, ये आपका यहाँ पे बहुत इजी लग जाता है, यहाँ पे इसका फ्यूज़ है, ये ऑन ऑफ बटन है, बाकी सारे आपको पता है। यहाँ पे मैं पावर केबल भी आपको लगा के दिखा दूंगा, और ये आप ग्राउंड के लिए भी लगा सकते हैं गाइस, बाकी कोई ज़्यादा खास नहीं है, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो चलिए इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे, और इसका जो हैंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, इसका जो हैंडल है और पकड़ने में बहुत ही स्मूथ है, और इसकी जो बीट है, बीट ये देख सकते हैं माइनस बीट है गाइस, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ साइड। इस बीट को भी बहुत इजी टू यूज़ है, आपको सिंपल और सिंपल ऐसा लगा देना है, बहुत ईजी तरीके से इंस्टॉल भी हो जाता है, देख सकते हैं। अब जो ये काम करने का स्टेशन है, बहुत ही जो आपकी लेंथ होती है, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, बहुत आसान हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको भी मैं लगा देता हूँ। तो लगाना है गाइस, तो बता दूँ आपको सिंपल और सिंपल, इसको सिंपल आगे आप देख रहे हैं सॉकेट बना हुआ है, सॉकेट टू सॉकेट इसको यहाँ पे सिंपल आपको फिट कर देना है, निकालना होगा तो प्रेस करेंगे और बहुत ईजी तरीके से निकल के लग जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है, और अगर आपको चाहते हैं कि गाइस कि इसको ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको चाहिए, तो आप इसको भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। कंप्लीट हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है गाइस, आपको सारा कुछ लगा दिया है, आप ये भी लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी ये ग्राउंड का नहीं लगा रहा हूँ, ये इसका स्टैंड है, जैसा कि देख सकते हैं आप, बहुत इजी और लाइट वेटेड है। अब मैं इसका पावर केबल भी लगा करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे ये मैंने पावर केबल यहाँ पे लगा दिया है, ये पावर केबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको करते हैं ऑन। अब इसका मैं लुक आपको दिखाता हूँ, और इसका ईजी टू यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी स्लिप मोड में है, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, 300, 350, 400 आप इसको यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं गाइस, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे आप इसको उठाएंगे फास्ट, यहाँ पे देखिए किसी कम समय में आपका ये देखिए 400 साढ़े 350 पहुँच गया,
कितने सेकंड में, आप अगर कुछ ही सेकंड में देखोगे 350 आपका यहाँ पे पहुँच गया, और जैसे आप यहाँ पे इसको रखोगे तो बहुत ही तुरंत फास्ट यहाँ पे आपका स्लीप मोड में चला जाता है गाइस। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, सोल्डिंग सेशन T210 बहुत ही इजी है, और इसका जो हीट है बहुत काम करने में आपको बहुत स्टैंड बाई होगा। देखिए जैसे मैंने फिर से उठाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फास्ट यहाँ पे हीटिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी गाइस। और इसका जो बीट है, बीट भी बहुत मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा सोल्डिंग स्टेशन लेने के लिए और अच्छे रेंज भी ज़्यादा हाई नहीं है गाइस, और इसकी जो क्वालिटी है मैं आपको बताया, पहले ही बता दिया, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और ये 350 जो हिट है इसका बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चला जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर और भी सेट कर सकते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ पर 400, आप यहाँ पर इसको 400 450 भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 350 पे इस रेंज में है, 350 की रेंज में, और यहाँ पर 350 पे ही रहेगा अभी। तो जब आपको सेट करना होगा, यहाँ पे इसको पुश करना है, पुश बटन यहाँ पे रहता है, उससे आप इस चैनल को सेट कर सकते हैं। तो अभी 300 350 400 के बीच में आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी ये 350 में आ गया है, फिर आप इसको 400 में रख सकते हैं। तो देखिए 400 में आ गया, जैसे मैंने पुश बटन को क्लिक किया, फिर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से 300, और फिर इसको आप एक बार क्लिक करेंगे तो ऐसे चैनल उसका चेंज होता रहेगा। मैं इसको जैसे ही स्टैंड में रख देता हूँ, और ये आपका स्लिप मोड में चला गया। और ये जो क्वालिटी है गाइस, मैं आपको तो ये मेटल का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेटल का है, प्लास्टिक नहीं है, ये भी मेटल है प्लास्टिक नहीं है। जलने का बहुत ही कम चांस होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्लीनिंग के लिए हो जाता है, कभी आपका यहाँ पे बीट को क्लीन करना है, इसमें आप वाटर डाल के भी क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही मतलब बेस्ट क्वालिटी लगा यहाँ पे, ग्राउंड के लिए भी आप बेसिक लगा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, अगर आप लेना चाहते हैं समथिंग, जो इसका रेट है मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप उसमें डिटेल करके कॉल करके पता कर लीजिएगा कि ये कितने का है, कैसा है। बाकी अगर मैं बताऊँ तो ये सोल्डिंग स्टेशन बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर आप देख रहे थे वीडियो कि कौन सा सोल्डिंग स्टेशन ले, तो आप ये बिल्कुल बेझिझक ये सोल्डिंग स्टेशन आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, मैं खुद इसे यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और सक्सेस भी है। तो गाइज़ ये आपका ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मिल जाता है। और इसी टूल के अकॉर्डिंग मैं छोटा सा एक और अपडेट देना चाह रहा हूँ गाइज़, इसी वीडियो में के माध्यम से, कि अगर मान लीजिए जैसा आप यहाँ पे स्क्रैपर यूज़ करते हैं गाइज, स्क्रैपर आपका अगर ये ख़राब हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो पूरा आपको सेट लेना होता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये स्क्रैपर अभी मार्केट में अवेलेबल हो गया है, आप सिंगल पीस भी स्क्रैपर ओनली, अगर आपका हैंडल सही है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये आपका जो स्क्रैपर है गाइज़, आप ये स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं सिंगल सिंगल आपको स्क्रैपर भी अवेलेबल हो गया है। तो ये छोटा सा वीडियो था गाइज, अपडेट वीडियो, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी स्लिप मोड में चला गया, स्टैंड बाई में चला गया, अच्छा आयरन है, आप बिल्कुल इसे T210 ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।